बात हम योगी आदित्यनाथ की कर रहे हैं, उनके साथ जो घात प्रतिघात और भीतरघात का खेल चल रहा है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक विश्वास पात्र नौकरशाह दयाशंकर मिश्रा को यूपी का मुख्य सचिव बनाकर मंत्रालय की कमान को अपने हाथ में ले लिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची आते आते ये साफ हो गया कि योगी आदित्यनाथ अब गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। जाहिर है कि पूरे प्रदेश में चुनाव की कमान अब वो नहीं संभालेंगे। पिछड़ों की बगावत के बाद उन्हें गोरखपुर से उतारा जाना ये साफ करता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पार्टी के भीतर और बाहर अब भी बड़ी चुनौतियां हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर दो हफ्ते पहले ही बहुत चुपचाप से सामने आई है। केंद्र सरकार में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव रहे दुर्गा शंकर मिश्र को उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बना दिया गया। उन्हें रिटायरमेंट से दो दिन पहले से ही साल भर का एक्सटेंशन देकर यूपी में भेज दिया गया है। जाहिर है उनके जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी प्रशासन और चुनाव की कमान अपने हाथ में ले ली है। इस बार योगी आदित्यनाथ विरोध करने की हालत में नहीं थे, जबकि इससे पहले मोदी के विश्वास पात्र और गुजरात कैडर के नौकरशाह अरविंद शर्मा को यूपी भेजने का सीएम योगी ने जमकर विरोध किया था। उन्हें उप मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया बल्कि एमएलसी बनाकर सिर्फ प्रदेश के 16 उपाध्यक्ष के बाद जगह दी गई थी। यहां से याद रखना जरूरी है कि कल्याण सिंह ने भी जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ झंडा बुलंद किया था तो उनका भी बुरा हश्र हुआ था, जबकि कल्याण सिंह का कद योगी से बहुत बड़ा था और अटल जी भी मोदी के मुकाबले बड़े उदारवादी नेता माने जाते थे। दुर्गा शंकर की मंत्रालय में पैराटोपिंग से जाहिर है कि सीएम योगी के हाथ से अब चुनाव की कंट्रोल कमांड निकलती दिखाई दे रही है। ऐसे में उन्हें गोरखपुर से विधानसभा चुनाव में उतारने पर भी सवाल उठ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, योगी जी बहुत समर्पित भाव से डे वन से मैं स्वयं उनसे बात करता था। उन्होंने कहा कि मैं 403 कहीं भी मेरे को पार्टी आदेश करेगी मैं उसमें चुनाव लड़ूंगा, कोई आग्रह किसी जगह पे नहीं था। पार्टी ने तय किया कि योगी जी को गोरखपुर से ही लड़ाया जाए, वो शहर से उसको स्वीकार किए। इससे साफ है कि सारे बदलाव एक योजना के तहत हो रहे हैं, इसलिए चुनाव की तारीखें आने से पहले पीएम मोदी ने 16 नवंबर से लेकर 2 जनवरी तक पिछले 1.5 महीने के दौरान यूपी के हर इलाके में रैली की। पूर्वांचल से लेकर वेस्ट यूपी तक पीएम की ताबड़तोड़ 14 चुनावी रैलियां आयोजित की गई। इन रैलियों के बहाने उन्होंने तमाम नए प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास उद्घाटन किया। देखते ही देखते योगी के साथ सारथी नजर आने वाले प्रधानमंत्री मोदी कब अर्जुन की भूमिका में आ गए पता ही नहीं चला। यूपी में विकास का चेहरा योगी के बजाय पीएम मोदी के सिर ही बांधा जाने लगा। आज उत्तर प्रदेश देश और दुनिया के हर छोटे बड़े निवेशक के लिए बहुत आकर्षक स्थान बनता जा रहा है। ये तब होता है जब निवेश के लिए जरूरी माहौल बनता है, जरूरी सुविधाएं मिलती है। आज उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार के डबल लाभ का बहुत बड़ा उदाहरण है। पीएम मोदी यूपी के चुनावी समर में अर्जुन बन गए और योगी आदित्यनाथ नेपथ्य में चले गए। बताया जाता है कि ये कदम तब उठाया गया जब विकास से जुड़े विज्ञापनों में एक बार सिर्फ मुख्यमंत्री योगी की तस्वीर छापी गई थी। मोदी नाम केवल जपने वाला बीजेपी को योगी का ये लार्जर देन लाइफ कद पसंद नहीं आया। नवंबर में कोविड प्रबंधन पर मोदी के साथ बैठक के बाद योगी के लव जिहाद पर कानून लाने का ऐलान कर दिया, जबकि जिस दिन मोदी कुछ बड़ा करते हैं पार्टी का कोई भी नेता उस दिन हेडलाइन बनाने से बचता है। इसके बाद से बदलाव की पटकथा लिखी जाने लगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हवाई पट्टी पर पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए खड़े यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को कुछ दूर पैदल चलना पड़ा। समाजवादी पार्टी के नेता और प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने उस पर तंज भी कसा। पीएम की यात्रा से संबंधित प्रोटोकॉल आदि पहले से ही तय होते हैं, रिहर्सल भी होती है। प्रोटोकॉल को लेकर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी और यूपी सरकार के बीच चूक को लापरवाही नहीं माना जा सकता। फिर शुरू हुआ डैमेज कंट्रोल का दौर। योगी जी से ही एक तस्वीर जारी करवाई गई जिसमें पीएम मोदी योगी को सियासत समझाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस तस्वीर की असलियत को लेकर भी सवाल उठने लगे।
लेकिन उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि भगवा वस्त्रधारी योगी के कंधे पर हाथ रखना हिंदू मान्यताओं के अनुरूप नहीं था और इससे मोदी के मुकाबले योगी के कद को छोटा करने की कोशिश के रूप में दिखाया गया। ये बात अलग है कि सीएम योगी को पूरी योजना लागू होने से पहले इसी भ्रम में रखा गया कि पूरा युद्ध उनके ही नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। यहां तक कि कहा गया कि 2024 में मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 2022 में योगी को मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है। मोदी जी के नेतृत्व में अगला जो लोकसभा का चुनाव जीतना है 24 में, उसकी नींव डालने का काम उत्तर प्रदेश का 22 का विधानसभा करने वाला है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताने आया हूं कि मोदी जी को फिर से एक बार 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 22 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। हालांकि इस बयान के मायने एकदम उलट समझे गए। अब माना यह जा रहा है कि योगी को 2024 में प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए 2022 में मुख्यमंत्री बनने से रोका जा रहा है, क्योंकि खबरें यही है कि योगी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बकायदा सलाहकारों की एक टीम दिन रात काम कर रही है। नारे भी मोदी जी की तर्ज पर गड़े जा रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है कि जवाब में योगी है तो यकीन है कहां जाने लगा, जीतेगा योगी ही जैसे नारों से पार्टी के भीतर चक्रव्यूह में योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ एक साथ दो मोर्चों पर जूझते नजर आ रहे हैं। अंशुमन त्रिपाठी, APN न्यूज। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर सीट मिलना उनके लिए शुभ माना जा रहा है। अयोध्या कहीं ज़्यादा मुश्किल सीट थी और इसलिए योगी आदित्यनाथ मथुरा से लड़ना चाह रहे थे। मथुरा या गोरखपुर उनके लिए ज़्यादा सेफ सीट मानी जा रही थी। पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ दिल्ली में रहे, एक तरह से धरना ही दिए रहे और उनकी नाराज़गी से पार्टी भी डरी और उन्हें गोरखपुर की सीट दे दी गई। लेकिन विधानसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे को दिल्ली में ही अंतिम रूप दिया जा रहा है। जाहिर है कि आला कमान ही पूरे चुनाव की कमान को संभाल चुका है। आला कमान मतलब ये पूरा खेल मोदी या अमित शाह के हाथों में आ चुका है। चुनाव प्रबंधन अघोषित घोषित रूप से अब अमित शाह के जिम्मे है। बूथ प्रबंधन में अमित शाह की कोई सानी नहीं है, ये सभी मान चुके हैं। उधर 1,74,000 बूथों पर बाकायदा टीम बनाकर अमित शाह लगातार तालमेल रखे हुए हैं। हर बूथ के लिहाज से बनाई हुई सोशल मीडिया टीम स्थानीय मुद्दों को लेकर व्हाट्सएप के 1,63,000 ग्रुप्स के बीच पहुंचाई जा रही है। जाहिर है कि भले ही योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद के चेहरे हों, लेकिन चुनाव के पहले और बाद में अब मोदी शाह की जोड़ी ही सारे फैसले